ਬੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। विधानसभा की आपकी जनप्रतिनिधि अछतरपुर की सेवा पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की डॉक्टर, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। निडरता से काम करिए, नेस्त नाबूद कर दीजिए उन उपद्रव। कभी वोट की राजनीति नहीं की, ना मुझे वोट की परवाह है। छतरपुर को चैन और शांति का टापू है, ये चैन और शांति का टापू रहे। जिला प्रशासन से, हमारे पुलिस कर्मियों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर 21 तारीख को मैं छतरपुर में होती तो कल 22 तारीख की कार्रवाई में भी मैं वही खड़ी रहती। आगे भी पुलिस की एक कार्रवाई, जिला प्रशासन की एक कार्रवाई रुकेगी नहीं। आप लोग ये नहीं सोचना, आशीर्वाद दिया है और एक 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 कतरा शरीर का कट जाए, खून बह जाए, तो मैं शहर को बहाने के लिए तैयार हूँ। मैं कोरी और झूठी बातें कभी नहीं करती, हमेशा जिला प्रशासन को बधाई, हमारे अगम सैन जी और हमारे। इस तरह से 21 तारीख को भीम आर्मी के द्वारा पूरे भारत बंद के तहत व्यापारियों पर लाठी बरसाई, प्रतिष्ठान बंद कराए, परेशान किया, तंग किया। हमारे छतरपुर का पूरा जिला बल उसमें लगा हुआ था। उसी समय मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए लोग कोतवाली आए, ज्ञापन देना था, आराम से ज्ञापन देते चले जाते। ये कोतवाली के बाउंड्री पर चढ़े, इनने पथराव किया, इन्होंने TI को घायल किया, पुलिसकर्मी को घायल किया, पत्थर लेकर के ये लोग आए हुए थे। तो जो षड्यंत्रकारी थे जिनने ये उपद्रव किया था, मैं भोपाल में थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिली। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कड़े निर्देश दिए, कड़े से कड़ी कार्रवाई हुई है। जो लोग चिन्हित किए गए हैं उन पर बुलडोजर चले भी हैं, आगे भी चलेंगे, और साथ में जिस तरह से अमन चैन को छतरपुर में भंग करने की कोशिश की है, ललिता यादव जब तक जिंदा है और हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की बहुत ही संवेदनशील की सरकार मध्य प्रदेश में है, तब तक ये षड्यंत्र कायम नहीं होने देंगे। षड्यंत्रकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में। पूरा जिला प्रशासन, पूरे पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की है, मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से बधाई देती हूँ और डॉक्टर मोहन यादव जी की को बधाई देती हूँ कि छतरपुर का शांति का टापू शहर, इस पर उनने संवेदनशीलता दिखाई है। धन्यवाद।
जिस तरह से आप सिंघम के रूप में दिखते हैं, मैंने वीडियो देखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं और शहर वालों आप निडरता से दुकानें खोलिए। छतरपुर विधानसभा की आपकी जनप्रतिनिधि और छतरपुर की सेवा पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। निडरता से काम करिए, नेस्त नाबूद कर दीजिए उन मैंने कभी वोट की राजनीति नहीं की, ना मुझे वोट की परवाह है। छतरपुर को चैन और शांति का टापू है, ये चैन और शांति का टापू रहे। जिला प्रशासन से हमारे पुलिस कर्मियों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर 21 तारीख को मैं छतरपुर में होती तो कल 22 तारीख की कार्रवाई में भी मैं वही खड़ी रहती। मिलने का समय दिया था, इसलिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी के पास कल 10 बजे समय लेकर के गई थी, इसलिए कल शाम को आई हूँ। आप लोगों के बीच में आई हूँ, आप लोगों से निवेदन करने आई हूँ कि आप लोग निडरता से रहिए, आप लोग